नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 10 नवंबर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में बिजली उपभोक्ताओं को मिली राहत। बिहटा एयरपोर्ट के निर्माण का रास्ता हुआ साफ। अधूरे इंदिरा आवास को पूर्ण करने के लिए अतिरिक्त 50,000 रुपए देगी सरकार। बिहार के मुंगेर की बेटी सिर्फ विजेता बैठेगी हॉट सीट पर। पाकिस्तान पहुंचा फाइनल में, आज होगा दूसरा सेमीफाइनल। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। IOCL ने 265 रिक्तियों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी किया। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने विभिन्न ट्रेड में ट्रेड अप्रेंटिस के कुल मिलाकर 265 रिक्तियों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी किया है। इन पदों के लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो आवेदक को संबंधित ट्रेड के अनुसार 10+2 या 50% मार्क्स पास के साथ ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस वैकेंसी नोटिस से जुड़ी हुई समस्त जरूरी जानकारी और आवेदन करने के लिए इस वीडियो के इसी पेज पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जरूर क्लिक करें। आवेदन की तारीख 12 नवंबर 2022 तक है। विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट www.iocl.com पर जाकर करके चेक कर सकते हैं। बिहार में बिजली उपभोक्ताओं को मिली राहत। बिजली कंपनी ने बिहार में बिजली उपभोक्ताओं को राहत दी है, जिसके तहत अब उपभोक्ताओं को ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने की सुविधा दे दी गई है। वहीं अगर इस दौरान किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो उपभोक्ता होल्डिंग कंपनी के ग्रीवांस रिटेल रे पोर्टल पर जाकर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायत दर्ज कराते समय उपभोक्ताओं को अपनी समस्या का संक्षिप्त विवरण देना होगा और खुद से जुड़ी कुछ जानकारी देनी होगी, जिसके बाद मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पर शिकायत नंबर उपलब्ध हो जाएगा। इसके साथ ही बिजली कंपनी ने अपने सभी पदाधिकारी कर्मियों को भी ऑनलाइन शिकायत करने के लिए लिंक उपलब्ध करवाए हैं, जिसके तहत वे अपने कामों से जुड़ी परेशानियों की शिकायत करवा सकते हैं। बिहार समेत 3 राज्यों के वोटर्स के लिए नया सॉफ्टवेयर लॉन्च। भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार सहित देश के 3 राज्यों उत्तराखंड, असम और गोवा में नया सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है। इस नई व्यवस्था को बिहार, उत्तराखंड और असम में बीते दिन बुधवार यानी कि 9 दिसंबर से शुरुआत की गई है, जिसके बाद अब मतदाता सूची में ऑनलाइन नाम जोड़ना या सुधार करना काफी आसान हो जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा करीब 4 साल के बाद अपने सॉफ्टवेयर में बदलाव कर ERONET का 2.0 वर्जन लॉन्च किया गया है। वहीं इस सॉफ्टवेयर के आने से आम लोगों के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प होंगे, जिसमें ऑनलाइन के लिए 3 माध्यम है, जिनमें वोटर पोर्टल, NVSP और वोटर हेल्पलाइन ऐप शामिल है। गंगा का जल हुआ शीतल तो बढ़े डॉल्फिन। बिहार के भागलपुर जिले में जैसे ही गंगा के जल में शीतलता आई, वैसे ही डॉल्फिन की संख्या में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। बता दें कि 2012 के बाद 2022 में गंगा में डॉल्फिन की संख्या में बढ़ोतरी देखी गई है। बताते चले कि पिछले वर्ष गंगा में जहां डॉल्फिन की संख्या 188 थी, जो अब बढ़कर 208 हो गई है। वन विभाग के वन्य चिकित्सा पदाधिकारी के द्वारा बताया गया है कि लगातार 20 वर्षों से वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ट्रस्ट के द्वारा किया जा रहा था, जिसके बाद इस वर्ष सबसे ज्यादा डॉल्फिन की संख्या को देखा गया है। और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि 3000 किलोग्राम अवैध जाल को गंगा नदियों से सीज किया गया है। बिहटा एयरपोर्ट के निर्माण का रास्ता हुआ साफ। केंद्रीय वित्त मंत्रालय की समिति के पास एक वर्ष से विचाराधीन बिहटा में सिविल एनक्लेव के निर्माण से जुड़े प्रस्ताव का रास्ता साफ हो गया है और अब जल्द ही इसके लिए 900 करोड़ रुपए तक का टेंडर जारी किया जा सकता है। इससे 3 साल पहले यह अनुदान राशि 800 करोड़ रुपए के आसपास थी, लेकिन अब निर्माण कार्य में 3 साल की देरी होने पर अनुदान राशि को बढ़ाकर 900 करोड़ रुपए कर दिया गया है। बताते चले कि इस एनक्लेव के निर्माण के लिए 108 एकड़ की जमीन एयरपोर्ट अथॉरिटी को दी गई है, जिसके बाद इस जमीन पर 4 दीवारी के निर्माण के लिए अथॉरिटी बिहार स्टेट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड को दी गई है। जानकारी के लिए बता दें कि अथॉरिटी को जमीन मिलने के बाद ही इस परियोजना को वित्तीय मंजूरी देने का रास्ता साफ हुआ है। तेजस्वी के जन्मदिन पर सीएम नीतीश ने गले लगाया, भतीजे ने पैर छूकर लिया आशीर्वाद।
बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद यह पहला मौका था जब तेजस्वी यादव ने बीते दिन अपना जन्मदिन मनाया। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ अपना जन्मदिन मनाया है। तेजस्वी यादव का जन्मदिन जब लोग अलग अलग तरीके से मना रहे हैं तो ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनके जन्मदिन को और भी यादगार बना दिया है। सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने नियुक्ति पत्र का वितरण किया। इस दिन बिहार पंचायती राज विभाग के प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग के सहायक प्राध्यापक को नियुक्ति पत्र बांटा गया था। इस दौरान नीतीश कुमार गले लगकर तेजस्वी यादव को जन्मदिन की बधाई दी तो वहीं तेजस्वी यादव ने पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में आज शाम तक फाइनल हो जाएंगे कैंडिडेट्स के नाम। पटना यूनिवर्सिटी में होने वाले छात्र संघ चुनाव को लेकर कैंडिडेट्स के नाम आज शाम तक फाइनल कर दिए जाएंगे। वहीं दूसरी ओर सभी छात्र संगठन प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस बार कॉलेज के छात्र संघ चुनाव में कुल 24,395 वोटर होंगे, जिनमें सबसे ज्यादा मतदाता पटना विमेंस कॉलेज से आती है, जहां मतदाताओं की संख्या 5,355 है। दूसरे नंबर पर 3,488 मतदाताओं के साथ मगध महिला कॉलेज को रखा गया है। इसके साथ ही अभी तय कर लिया गया है कि इन कॉलेज में कितने बूथ बनाए जाएंगे, जिसमें पटना विमेंस कॉलेज में 7 बूथ, मगध महिला कॉलेज में 8, कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में 1, विमेंस ट्रेनिंग कॉलेज में 1, पटना विमेंस कॉलेज में 5, पटना ट्रेनिंग कॉलेज में 1, पटना लॉ कॉलेज में 1, पटना साइंस कॉलेज में 4 बूथ, वाणिज्य महाविद्यालय में 4 और बीएन कॉलेज में 7 बूथ बनाए जाएंगे। वहीं पीजी सोशल साइंस में 2,283 वोटर्स है, जहां 2 काउंसलर का चुनाव किया जाएगा। इसके लिए 5 बूथ बनाए जाएंगे। बिहार में 4 जोड़ी ट्रेनें 14 नवंबर तक रद्द। रेलवे के द्वारा बिहार से चलने वाली कुछ ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है तो वहीं कुछ के रूट में बदलाव कर दिया गया है। जिन ट्रेनों को रद्द किया गया है उनमें 18614 और 18632 चौपन रांची एक्सप्रेस, 18613 और 18631 रांची चौपन एक्सप्रेस, 133100 प्रयागराज चौपन एक्सप्रेस और 03344 चौपन गोमो स्पेशल ट्रेनें शामिल है। वहीं वे ट्रेनें जिनका आंशिक समापन हो सकता है उनमें 15074 टनकपुर सिंगरौली एक्सप्रेस और 15073 सिंगरौली टनकपुर एक्सप्रेस शामिल है। इसके साथ ही जिन ट्रेनों के मार्ग को परिवर्तन किया गया है उनमें 13350 पटना सिंगरौली एक्सप्रेस का परिचालन सलई बनवा ओबरा डैम के रास्ते किया जाएगा, 13349 सिंगरौली पटना एक्सप्रेस का परिचालन ओबरा डैम सलई बनवा के रास्ते किया जाएगा और 12874 आनंद विहार हटिया एक्सप्रेस का परिचालन जुनार डीडीओ के रास्ते किया जाएगा। बांका में शराब की बड़ी खेप बरामद। बिहार के बांका जिले में शराब तस्करों ने तस्करी के लिए नया तरीका का इजाद कर लिया है। यहाँ के तस्कर गाड़ी में तहखाना बनाकर शराब की तस्करी करते हैं। दरअसल जिले की नवादा पुलिस के द्वारा वहाँ चेकिंग के दौरान गाड़ी से 237 शराब की बोतल बरामद किए गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने एक शराब तस्कर की गिरफ्तारी भी की गई है। मिली जानकारी के अनुसार तस्कर का नाम विकास बताया जा रहा है, जो झारखंड से शराब लेकर नवगछिया जा रहा था। बता दें कि इस तरह शराब तस्करी का मामला पहली बार सामने आया है। बिहार राजस्व विभाग ने जारी की रैंकिंग। बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने रैंकिंग जारी की है, जिसमें सबसे पहले स्थान पर बांका को रखा गया है। वहीं दूसरे स्थान पर बांका का सदर DCLR है। बता दें कि प्रमंडलीय आयुक्त दयानिधान पांडे द्वारा की गई समीक्षा और निर्देश के बाद बांका की स्थिति बेहतर हुई है और इन्हीं चीजों को देखते हुए बांका को इस सूची में प्रथम स्थान दिया गया है। वहीं इस बैठक के दौरान प्रमंडलीय आयुक्त दयानिधान पांडे ने अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए हैं, जिनमें समय सीमा के भीतर जमाबंदी, लगान रसीद, मापी आदि के मामलों का निष्पादन करने को कहा गया है। इसके साथ ही दयानिधान पांडे ने बांका में स्थित कस्तूरबा आवासीय विद्यालय की भी समीक्षा की। बिहार में इस दिन से बढ़ने वाली है ठंड, हो जाए सावधान। बिहार में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। बदलते हालात के बीच में इन दिनों मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। ऐसे में IMD पटना के मौसम विज्ञानी आशीष कुमार ने बताया कि 13 नवंबर से पारा अचानक नीचे आएगा। बिहार में पिछले साल की तुलना में इस साल अधिक ठंड पड़ने की पूरी संभावना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के वरिष्ठ मौसम विज्ञानी डॉक्टर एस सत्तार की माने तो उन्होंने बताया है कि बिहार में इन दिनों ठंड बढ़ने का कारण पश्चिमी विक्षोभ का सक्रिय होना है, तो वहीं दूसरा बिहार में मॉनसून का लेट से वापसी करना बताया गया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि प्रदेश के आसमान में बन रही मौसमी दशा बिहार में अच्छी ठंड का संकेत दे रही है। बता दें कि मौसम वैज्ञानिकों ने यह भी कहा है कि पिछले साल की तुलना में इस साल में अधिक कोहरा रहने की बात कही गई है। ऐसे में लोगों को अभी से सतर्क रहने को कहा जा रहा है।
पटना से कोलकाता और दिल्ली के बीच 350 की स्पीड से दौड़ेगी ट्रेन। बिहार में दिल्ली हावड़ा रूट पर प्रस्तावित हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का सर्वे पूरा किए जाने के बाद अब पटना से कोलकाता और दिल्ली के बीच 350 किलोमीटर की रफ्तार से ट्रेन दौड़ेगी। इसके लिए बिहार के 3 शहरों में स्टेशन का निर्माण किया जाएगा, जिनमें पटना, बक्सर और गया शामिल है। इन सब के बीच खास बात यह है कि हाई स्पीड ट्रेन का यह पूरा ट्रैक एलिवेटेड होगा। वहीं अब तक इस बात पर मुहर नहीं लगाई गई है कि पटना के किस स्थान पर स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। इन ट्रेनों के परिचालन का मुख्य मकसद है कि प्रमुख राज्यों की राजधानी और धार्मिक स्थल को जोड़ा जा सके। इसके साथ ही दिल्ली से हावड़ा के लिए 2 चरणों में इस प्रोजेक्ट को पूरा किया जाएगा। अधूरे इंदिरा आवास को पूर्ण करने के लिए अतिरिक्त 50,000 रुपए देगी सरकार। बिहार में इंदिरा आवास योजना के तहत जिनके आवास नहीं बने थे वे अब बहुत ही जल्द पूरे होंगे। इसके लिए सरकार ने मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना के तहत लाभुकों को 50,000 रुपए की राशि उपलब्ध कराने की बात कही है। इंदिरा आवास योजना में वित्तीय साल 2012 से 13 से लेकर 2015-16 तक के लंबित पड़े 2,62,787 आवासों को पूरा कराने के लिए ग्रामीण विकास विभाग योग्य लाभार्थियों को अपने खजाने से 50,000 रुपए की राशि देने की बात कही है। साथ ही यह भी कहा गया है कि योजनाओं में पारदर्शिता और काम में ढिलाई करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि वित्तीय साल 2016-17 से लेकर 2020-21 तक में कुल 1,96,333 आवास, जबकि 2021-22 में आवास प्लस के तहत 3,45,510 आवास अभी भी अधूरे हैं। जब चाट खाने के लिए मचल उठा अक्षरा का दिल। भोजपुरी की ग्लैमरस गर्ल अक्षरा सिंह ने सोशल मीडिया पर अपनी एक तस्वीर शेयर की है जो खूब वायरल हो रही है। उस तस्वीर में वो पानी पूरी के ठेले के पास नजर आ रही है। मिली जानकारी के अनुसार यह बात सामने आई है कि यह तस्वीर झारखंड के रांची शहर के हिनू चौक के पास की है, जहां वे अपनी मन पसंदीदा चाट का मजा लेती नजर आ रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब अक्षरा डाल्टगंज में आयोजित एक शो से लौट रही थी तभी उन्होंने इस चाट का मजा लिया था। बताते चले कि जैसे ही अक्षरा की यह पोस्ट वायरल हुई तो उनके चाहने वालों ने दिलचस्प कमेंट करने शुरू कर दिए। वहीं आजकल अक्षरा अपने फिल्मों और वीडियो को लेकर काफी सुर्खियों में बनी रहती हैं। बिहार को मिला एक और 4 लेन, बक्सर जाना हुआ आसान। बिहार में पिछले कुछ सालों में सड़कों को लेकर सबसे ज्यादा काम हुआ है। ऐसे में बिहार में एक और 4 लेन परियोजना बिहार की जनता को मिलने वाला है। इस 4 लेन की शुरुआत हो जाने के बाद से पटना से भोजपुर और बक्सर जाना बहुत ही आसान हो जाएगा। बता दें कि इस 4 लेन को उद्घाटन 14 नवंबर को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा किया जाएगा। बता दें कि इस 4 लेन की कुल लंबाई 92 किलोमीटर की है, जिसे करीब 1500 करोड़ की लागत से बनाया गया है। इस 4 लेन की शुरुआत हो जाने के बाद यह पश्चिम बिहार की सबसे लंबी 4 लेन सड़क बन जाएगी। साथ ही इस 4 लेन के माध्यम से आप उत्तर प्रदेश में आसानी से प्रवेश कर सकते हैं। ऐसे में अब यह कहा जा रहा है कि यह 4 लेन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से लखनऊ से पटना सीधी जुड़ जाएगी। सोनपुर मेला में लेटेस्ट हथियारों की लगेगी प्रदर्शनी। इस वर्ष लगे विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेले में एक स्टॉल लगाया गया है, जहां लोगों को ATS और STF के बारे में बताया जाएगा। बता दें कि इस स्टॉल की शुरुआत 11 नवंबर से की जाएगी। इस दौरान इस स्टॉल पर जो भी लोग घूमने आएंगे उन्हें इन दोनों टीमों की ट्रेनिंग के बारे में जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही कड़ी सुरक्षा के बीच उन सभी लेटेस्ट हथियारों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी, जिसका इस्तेमाल ATS और STF की टीमें अपने ऑपरेशन के दौरान करते हैं। इन सब के अलावा ATS के स्टॉल पर आने वाले व्यक्ति को डॉक्यूमेंट्री वीडियो भी दिखाया जाएगा, जिसे विशेष तौर से बनाया गया है। इस वीडियो में हाथों में AK-47 लिए हुए स्वात दास्ता के जवान को भी दिखाया जाएगा। बिहार के मुंगेर की बेटी शिल्प विजेता बैठेगी हॉट सीट पर। बिहार के मुंगेर जिले की बेटी शिल्प विजेता कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर 21 एवं 22 नवंबर को आने वाले शो में विराजमान होगी। इससे मुंगेर के लोगों के बीच काफी खुशी देखने को मिल रही है। बता दें कि शिल्प विजेता ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा संत टेरेसा सेमिनरी से की है। वहीं उनकी कक्षा 6 से मैट्रिक तक की शिक्षा पंचकुमारी कन्या उच्च विद्यालय से ग्रहण की गई थी और इंटर राजकीय +2 उच्च विद्यालय, जिसके बाद उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की शिक्षा हरि सिंह महाविद्यालय हवेली खड़गपुर से पूरी की है। शिल्प विजेता अपना योगदान शिक्षिका के रूप में भी दे चुकी हैं। हालांकि इससे पहले भी बिहार के कई लोग हॉट सीट पर बैठ चुके हैं। छह जिले में ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक बनकर तैयार।
बिहार के 6 जिले में ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक बनकर तैयार हो गया है, जिनमें मोतिहारी, भागलपुर, पूर्णिया, नवादा, बांका व कैमूर जिला शामिल है। इन सभी जिलों में ट्रैकों का उद्घाटन कभी भी किया जा सकता है। वहीं अब तक 8 जिलों में काम जारी कर दिया गया है, जबकि 10 जिले ऐसे हैं जहां ट्रैक के निर्माण के लिए टेंडर जारी किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिन जिलों में ट्रैक का निर्माण कार्य जारी है उनमें सीतामढ़ी, कटिहार, दरभंगा, भोजपुर, मुजफ्फरपुर, किशनगंज, नालंदा और मधुबनी जिला शामिल है। वहीं वैसे जिले जहां फिलहाल टेंडर जारी नहीं किया गया है और जल्द ही जारी करने की उम्मीद है उनमें सारण, बेतिया, समस्तीपुर, रोहतास, शिवहर, जहानाबाद, जमुई, लखीसराय, गया व मुंगेर जिला को शामिल किया गया है। इसके साथ ही वैशाली एकमात्र वैसा जिला है जहां ट्रैक के निर्माण के लिए जमीन नहीं मिल सकी है। पूर्व कानून मंत्री कार्तिक मास्टर को मिली जमानत। बीते दिन बुधवार को नीतीश कुमार के पूर्व कानून मंत्री कार्तिक मास्टर को अपहरण से जुड़े हुए एक मामले में हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए उनके जमानत पर मुहर लगा दी गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कार्तिक सिंह से जुड़ा यह मामला वर्ष 2014 का है, जब बीटा में राजीव रंजन उर्फ राजू सिंह का अपहरण कर लिया गया था, जिसके बाद इस मामले को लेकर बीटा थाना में FIR दर्ज कराई गई थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वर्ष 2017 में कार्तिक सिंह ने पटना हाईकोर्ट में अग्रिम याचिका की अर्जी लगाई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि इस घटना से उनका कोई संबंध नहीं है, वे उस दिन यहां मौजूद नहीं थे। वहीं बीते दिन बुधवार को सुनवाई में कार्तिक सिंह उर्फ मास्टर की याचिका को स्वीकारते हुए न्यायाधीश सुनील कुमार परमार ने उन्हें अग्रिम जमानत दे दी। गुजरात में हुआ विधानसभा चुनाव का ऐलान। गुजरात में विधानसभा चुनाव का ऐलान किया जा चुका है, ऐसे में जदयू के द्वारा इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें जानकारी दी गई है कि इस बार गुजरात विधानसभा उपचुनाव को 2 चरणों में कराया जाएगा, जिसमें पहले चरण की वोटिंग 79 सीटों पर 1 दिसंबर को होगी, तो वहीं दूसरे चरण की वोटिंग 93 सीटों पर 5 दिसंबर को की जाएगी। वहीं यह भी खबर आ रही है कि गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर जदयू गुजरात की भारतीय ट्राइबल पार्टी यानी कि BTP के साथ गठबंधन कर सकती है। हालांकि इस खबर में कितनी सच्चाई है इसकी कोई जानकारी जदयू के द्वारा नहीं दी गई है। बताते चले कि इस चुनाव का परिणाम 8 दिसंबर को जारी किया जाएगा। वहीं इस बार गुजरात में नए जुड़ने वाले वोटरों की संख्या 324,422 है। तेजस्वी ने BJP से मांगा अपना बर्थडे गिफ्ट। बीते दिन बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का 33वां जन्मदिन था, ऐसे में उन्होंने BJP से अपना बर्थडे गिफ्ट मांग लिया है। बता दें कि जब उनसे नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में मीडिया के द्वारा यह सवाल पूछा गया कि वे अपने बर्थडे के मौके पर BJP से क्या मांग सकते हैं, इस पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि अगर उन्हें मांगना हो तो वो बिहार को विशेष राज्य की दर्जा देने की मांग करेंगे। बताते चले कि जब नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम की समाप्ति हुई तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उठकर तेजस्वी यादव को गले लगाया और उन्हें आशीर्वाद दिया। इसके साथ ही उन्होंने वहां मौजूद सभी लोगों को यह भी कहा कि इनको बधाई दीजिए, इनका जन्मदिन है। इससे पहले भी नीतीश कुमार ने अपने ट्विटर हैंडल से तेजस्वी यादव को जन्मदिन की बधाई दी थी और स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन जीने की मनोकामना की थी। विजय सिन्हा का तेजस्वी पर तंज। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा सनातन सांस्कृतिक समागम में भाग लेने बिहार के बक्सर पहुंचे, जहां उन्होंने सवाल का जवाब देते हुए तेजस्वी यादव और बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वे अब युवराज नहीं रहे बल्कि सुपर CM हो गए हैं। तेजस्वी यादव का CM बनने का सपना कभी पूरा नहीं हो सकेगा। अगर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में हिम्मत है तो सरकार भंग करवा के विधानसभा का चुनाव करवाए, फिर उन्हें उनकी गोपालगंज की तरह औकात दिख जाएगी। आज के समय में बिहार में अपराधी बेलगाम होकर हत्या, अपहरण, लूट की घटनाओं को दिन दहाड़े अंजाम दे रहे हैं और बिहार सरकार कुछ नहीं कर रही है। राजद ने जिसे प्रत्याशी बनाया था वह खुद सबसे बड़ा शराब का सप्लायर है। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार को लिया आड़े हाथों। प्रशांत किशोर ने बिहार के शिक्षा व्यवस्था को लेकर नीतीश कुमार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने जन सुराज यात्रा के तहत लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि स्कूल में खिचड़ी बट रही है तो वहीं कॉलेज में डिग्री, लेकिन अगर पढ़ाई की बात की जाए तो यह कहीं नहीं हो रही है और सभी बस बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने इस यात्रा के दौरान जितने भी स्कूल देखे उनमें मुझे 3 मूलभूत चीजें देखने को कहीं नहीं मिली। मुझे कहीं भी शिक्षक, छात्र और बिल्डिंग तीनों एक साथ नजर नहीं आए हैं। मुझे हैरानी इस बात की होती है कि पढ़े लिखे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 17 साल के शासनकाल के बाद भी बिहार में शिक्षा की स्थिति इतनी दयनीय कैसे बनी हुई है। इसके अलावा यहां भ्रष्टाचार भी काफी बढ़ गया है, जिस वजह से लोग त्रस्त हो गए हैं। पाकिस्तान पहुंचा फाइनल में, आज होगा दूसरा सेमीफाइनल।
आज T20 वर्ल्ड कप 2022 का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा। एडिलेड में रोहित शर्मा की टीम इंडिया का सामना संतुलित इंग्लैंड से होगा। यह मुकाबला जीतकर दोनों में से एक टीम फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी। भारतीय टीम सुपर 12 में खेले गए 5 में से 4 मुकाबले जीतकर यहां तक पहुंची है। दूसरी तरफ इंग्लैंड ने नेट रन रेट के आधार पर क्वालिफाई किया है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। आज के दिन ही गंगा मेकांग संपर्क परियोजना का कार्य 2000 में प्रारंभ हुआ। भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 2001 में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया था। भारत कतर संबंधों को रणनीतिक गहराई देते हुए दोनों देशों ने 2008 में रक्षा और सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत ने 2008 में ऑस्ट्रेलिया को हराकर 2-0 से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीती। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापकों में से एक और पार्टी के सम्मानित नेता सुरेंद्र बनर्जी का जन्म 1848 में हुआ। भारत की आजादी के लिए फांसी के फंदे पर झूलने वाले अमर शहीदों में से एक कनाईलाल दत्त का निधन 1908 में हुआ। अमेरिकी संगीतकार और गीतकार जॉनी मार्क्स का जन्म 1909 में हुआ। राष्ट्रवादी ट्रेड यूनियन नेता एवं भारतीय मजदूर संघ के संस्थापक दत्तोपंत ठेंगटी का जन्म 1920 में हुआ। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है अनवर करीम खान, शंकर मुखिया, मृत्युंजय कुमार, वीरमानी सिंह, मुतुरंगीला, रविशंकर, मनीष कुमार, नुन्नू गोलू कुमार, रवि कुमार, मधुलता, कुलदीप कुमार, मिथिलेश कुमार, रविंद्र पासवान, अजय भारती, मंगिता भारती। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार आज होने वाले T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल मुकाबले में भारत और इंग्लैंड में से किसका पलड़ा भारी है। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहार न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना न भूले। धन्यवाद।